खरीफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट का तीसरा लेक्चर है मक्का फसल उन्नयन, या इसको बोलते हैं मेज क्रॉप इम्प्रूवमेंट। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन या परिचय की बात करें तो इसका सामान्य नाम या कॉमन नेम क्या है, मक्का, या इसको इंग्लिश में बोल देते हैं कॉर्न मेज, है ना। इसका बॉटनिकल नेम या वनस्पतिक नाम क्या है भी, जिया मेज। अगर इसके कुल के बारे में या फैमिली के बारे में पूछें तो फैमिली कौन सी हो जाएगी, पोएसी या ग्रैमिनी, ठीक है, जिसको घास कुल या ग्रास फैमिली भी बोल देते हैं, है ना। अब जो मक्का है या मेज जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वीन ऑफ सीरियल्स, ठीक है, या धान्य फसलों की रानी। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि जितनी भी धान्य फसलें होती हैं, जितनी भी सीरियल्स होती हैं, उन सब में सबसे ज़्यादा जो उपज है प्रति हेक्टेयर, जो यील्ड है पर हेक्टेयर, वो सबसे ज़्यादा किसकी होती है, मक्के की होती है, ठीक है, मेज़ की होती है। इसीलिए हम लोग मेज़ को क्या बोलते हैं, धान्य फसलों की रानी या क्वीन ऑफ सीरियल्स। उसके बाद इसके क्रोमोसोम नंबर्स एंड स्पीसीज की बात करते हैं, गुणसूत्र संख्या और जातियों की बात करें तो इसकी चार जातियां हैं जिनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। इन जातियों के अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या है, कुछ में समान भी रहती है और कुछ में वैरी भी करती है, कुछ में चेंज भी होती रहती है, ठीक है। इनका लाइफ पीरियड कौन सा है, जीवन काल किस तरह का है, एक वर्षीय है या बहुवर्षीय है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो जैसे सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर जिया मेज, ठीक है, जिया मेज के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 20 है, 2n = 20। और ये कैसा है, एक वर्षीय है, एनुअल है, यानी एक वर्ष के अंदर अंदर ये अपना लाइफ साइकिल या जो जीवन चक्र है वो पूर्ण कर लेता है। दूसरी जाति है जिया मैक्सिकाना, जिया मैक्सिकाना में गुणसूत्रों की संख्या सेम रहेगी, 2n = 20 या 20, और ये भी क्या है, एक वर्षीय है या एनुअल है, ठीक है। तो ये पहली दो जातियां जो हैं ये एनुअल हैं या एक वर्षीय हैं। उसके बाद तीसरी जाति की बात करें तो जिया पेरेनिस, जिया पेरेनिस के अंदर गुणसूत्रों की संख्या बढ़ गई, डबल हो गई, ये हो जाएगा 2n = 40, ठीक है, 40 गुणसूत्र हैं इसके अंदर, और ये कैसी होती है, बहुवर्षीय होती है या पेरेनियल होती है, ठीक है, यानी अपना जीवन चक्र जो है वो एक से अधिक वर्षों में या मोर देन वन ईयर में कंप्लीट करती है। उसके बाद चौथी स्पीसीज की बात करें तो उसको बोलते हैं जिया डिप्लोपेरेनिस, जिया डिप्लोपेरेनिस के अंदर गुणसूत्रों की संख्या सेम ही रहेगी, 2n = 40, तो 40 गुणसूत्र हैं इसके अंदर, और ये भी कैसी है, बहुवर्षीय है या पेरेनियल स्पीसीज है। इन चारों जातियों में से अगर अपने बात करें कृष्य जाति की या कल्टिवेटेड स्पीसीज की, तो सिर्फ एक ही है, वो कौन सी है, जिया मेज। तो सिर्फ जिया मेज कृष्य जाति है या कल्टिवेटेड स्पीसीज है, बाकी की जो नीचे वाली तीन जातियां हैं, ठीक है, ये कैसी हैं भी, वाइल्ड स्पीसीज हैं या जंगली जातियां हैं। और इन तीनों स्पीसीज को, ठीक है, जिया मैक्सिकाना, जिया पेरेनिस एंड जिया डिप्लोपेरेनिस, इन तीनों जातियों को या तीनों स्पीसीज को हम लोग सामूहिक रूप से या कंबाइंडली क्या बोलते हैं, टियोसिंटे, ठीक है, ये आपको नोट्स के अंदर भी मिल जाएगा। तो इस पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भाई टियोसिंटे क्या है, तो मक्का के अंदर जो जंगली जातियां हैं या वाइल्ड स्पीसीज हैं उनको सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है, टियोसिंटे कहा जाता है, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले भी पूछा हुआ है, आगे भी पूछा जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है इसके बारे में। उसके बाद टाइप्स ऑफ मेज या मक्का के प्रकार, तो मक्का के टाइप्स की अगर अपने बात करें तो आपने अलग अलग नाम सुने होंगे। मक्का को 5 सब स्पीसीज के अंदर या 5 उपजातियों के अंदर विभाजित किया गया है, और इन उपजातियों के जो नाम हैं वो फिर अलग अलग रखे गए हैं, ठीक है, इनके गुण के आधार पर। तो इनके अंदर क्या गुण होता है वो अपने देखेंगे। तो जैसे सबसे पहली सब स्पीसीज या उपजाति आपको दिख रही होगी, जिया मेज इंड्यूरेटा, ठीक है, इंड्यूरेटा इसकी क्या हो जाएगी, सब स्पीसीज हो जाएगी या उपजाति हो जाएगी, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं पॉपुलरली, फ्लिंट कॉर्न, ठीक है। तो इसका जो फेमस नाम है या विख्यात नाम है वो क्या है, फ्लिंट कॉर्न। तो इसको फ्लिंट कॉर्न के नाम से जाना जाता है। इसका जो आटा है, ठीक है, फ्लोर है, वो आसानी से बन जाता है, तो ये इसकी खास बात होती है। दूसरी उपजाति है जिया मेज इंडेंटेटा। इस उपजाति या सब स्पीसीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डेंट कॉर्न, ठीक है। तो ये नाम आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। इसका जो आटा है वो आसानी से नहीं बनता है, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है। तीसरी उपजाति या सब स्पीसीज की बात करें तो जिया मेज एवर्टा। तो एवर्टा जो सब स्पीसीज है या उपजाति है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉपकॉर्न, ठीक है। आप लोग जो मक्की के फुल्ले खाते हो, है ना, पॉपकॉर्न खाते हो सभी, तो वो कौन सी उपजाति या सब स्पीसीज होती है, जिया मेज एवर्टा, ठीक है। और इसको भूनकर खाया जाता है,
तो जब इसको जब इसके ग्रेन्स को या दानों को भुना जाता है तो इस इन दानों के अंदर या बीजों के अंदर जो इसका एंडोस्पर्म होता है या भ्रूणपोष होता है वो फूल कर बाहर आ जाता है। जैसे उसको गर्मी मिलती है तो वो फूल कर बाहर आ जाता है, ठीक है। तो वाइट कलर का हमें दिखाई देता है वो क्या होता है, इसका एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष होता है, ठीक है। तो इसको खाते हैं हम लोग। उसके बाद चौथी सब स्पीसीज या उपजाति है जिया मेज सैकरेटा, है ना। सैकरेटा शब्द जो है वो सैक्रम से बना है ना। सैक्रम का मतलब क्या है, स्वीट, शुगर। तो शर्करा जो है ये मीठे होते हैं। जिया मेज सैकरेटा जो है इसके जो ग्रेन्स हैं या दाने हैं वो कैसे होंगे, मीठे होंगे, स्वीट नेचर के होंगे, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, स्वीट कॉर्न बोल देते हैं, ठीक है। और पाँचवीं सब स्पीसीज या उपजाति कौन सी है, जिया मेज एमाइलेशिया। जिया मेज एमाइलेशिया के जो ग्रेन्स हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, अगर अपने हाथ से उसको दबाएंगे तो वो आसानी से दब जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, वो कोमल हैं, इस वजह से इसको क्या बोल देते हैं, सॉफ्ट कॉर्न बोल देते हैं, ठीक है। तो जो मेज़ है या मक्का है भाई वो पांच टाइप का होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। उसके बाद उत्पत्ति केंद्र की बात करते हैं, सेंटर ऑफ ओरिजिन। मक्का के उत्पत्ति केंद्र के बारे में क्वेश्चन जरूर आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको नोट कर लेना अभी। इसका प्राथमिक उत्पत्ति केंद्र या प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे, मैक्सिको, ठीक है। और मैक्सिको के बारे में जरूर पूछा जाता है, ठीक है। या आपसे ये भी पूछा जाए कि सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ मेज यानी मक्का का जो उत्पत्ति केंद्र है वो कौन सा है, तो आप लोग सिर्फ प्राथमिक का ही नाम लिखोगे, प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन के बारे में ही बताओगे, तो क्या लिखोगे, मैक्सिको। उसके बाद सेकेंडरी या द्वितीयक उत्पत्ति केंद्र जो है या सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन कौन सा है, इसका चाइना, ठीक है। चीन के अंदर इसका जो सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन है वो है, ठीक है। तो उत्पत्ति केंद्र के बारे में आपको ये दोनों चीज़ें जो हैं वो ध्यान में रखनी है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है इसकी फ्लोरल बायोलॉजी या पुष्पीय बायोलॉजी, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मक्का जो है वो कैसा होता है, मोनोइशियस प्लांट है या द्विलिंगाश्रयी पौधा है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मक्के के पौधे के अंदर या मक्के में, मक्के की फसल के अंदर जो नर पुष्प और मादा पुष्प हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर दोनों डिफरेंट होते हैं, ठीक है। और ये दोनों के दोनों नर पुष्प और मादा पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाते हैं, ठीक है। मेल एंड फीमेल फ्लावर बोथ आर फाउंड ऑन द सेम प्लांट, और इस तरह की जो कंडीशन है वो क्या कहलाती है, मोनोइशियस या द्विलिंगाश्रयी कंडीशन कहलाती है, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब मक्के में क्या होता है भी, जो नर पुष्प है वो नर पुष्प क्रम के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। जो मेल फ्लावर्स होंगे वो अलग इन्फ्लोरेसेंस में पाए जाएंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेल इन्फ्लोरेसेंस या नर पुष्प क्रम। और जो मादा पुष्प होंगे वो किस में पाए जाएंगे, किसी अलग पुष्प क्रम के अंदर या किसी अदर इन्फ्लोरेसेंस के अंदर उपस्थित होंगे, ठीक है। और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फीमेल इन्फ्लोरेसेंस या मादा पुष्प क्रम, ठीक है। तो नर पुष्प क्रम के अंदर और मादा पुष्प क्रम के अंदर उपस्थित होते हैं, ठीक है। इस प्रकार मक्के के एक ही पौधे पर दो प्रकार के जो पुष्प क्रम हैं या दो टाइप के जो इन्फ्लोरेसेंस हैं वो उपस्थित होते हैं, ठीक है। अब इनके विशेष नाम हैं और इन नामों को आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला है टेसल, ठीक है, और दूसरा है भुट्टा। तो या इसको इंग्लिश में बोल देते हैं भुट्टे को कॉब और टेसल को टेसल ही बोलते हैं। तो टेसल और कॉब जो है वो क्या चीज़ होती हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो मक्का का पौधा है या मेज का प्लांट है वो किस तरह का होता है, ठीक है। तो ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, इस डायग्राम के अंदर आप लोग देख सकते हो मक्के के पौधे की जो लंबाई है वो कितनी होती है, लगभग 120 सेंटीमीटर होती है ना। 120 सेंटीमीटर के थोड़ी ऊपर भी हो सकती है, थोड़ी कम भी हो सकती है। तो ये एवरेज या औसत लंबाई है मक्के के पौधे की, ठीक है, जो मैच्योर मेज प्लांट है या मक्के का जो परिपक्व पौधा है, ठीक है। इसके अंदर सबसे नीचे क्या होता है भी, इसका अपस्थानिक मूल तंत्र होता है या एडवेंटिशियस रूट सिस्टम होता है, ठीक है। अपस्थानिक या एडवेंटिशियस क्यों है, क्योंकि जो मक्का है या मेज है वो क्या है, एक बीजपत्री पौधा है या मोनोकॉट प्लांट है, ठीक है। चलिए उसके बाद इसके अंदर अशाखित तना होता है या अनब्रांच्ड इसका स्टेम होता है जो नोड्स एंड इंटरनोड्स में डिवाइड होता है, पर्व और पर्व संधियों के अंदर वो विभाजित होता है, ठीक है। इसकी जो नोड्स होती हैं या पर्व संधियां होती हैं उन पर्व संधियों से क्या उत्पन्न होता है, अभी इसकी पत्तियां उत्पन्न होती हैं, ठीक है, जो कि कैसी होती हैं, हरे रंग की होती हैं, ठीक है, ग्रीन कलर की लीफ या पर्ण डेवलप होती हैं। और इन पर्णों या लीव्स के अंदर किस तरह का वेनेशन या शिरा विन्यास पाया जाता है, समानांतर शिरा विन्यास,
ठीक है, या पैरेलल वेनेशन जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक मोनोकॉट प्लांट है या एक बीजपत्री पौधा है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं इसकी इन्फ्लोरिसेंस की या पुष्पक्रम की। तो मैंने आपको बताया कि मक्के के पौधे पर दो तरह के पुष्पक्रम पाए जाते हैं, नर पुष्पक्रम और मादा पुष्पक्रम, ठीक है, मेल इन्फ्लोरिसेंस एंड फीमेल इन्फ्लोरिसेंस। तो नर पुष्पक्रम को क्या बोलते हैं हम लोग, टेसल, ठीक है। मेल इन्फ्लोरिसेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, टेसल बोलते हैं। और टेसल की, टेसल कहाँ पर उपस्थित होता है, पौधे के बिल्कुल शीर्ष भाग पर, ठीक है। मक्के का पौधा अगर आप देखो तो उसके बिल्कुल शीर्ष भाग पर या बिल्कुल एपेक्स पार्ट पर आपको टेसल दिखाई देगा, ठीक है। टेसल की लंबाई कितनी होती है, लगभग 14 सेंटीमीटर होती है, इसकी जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर होगी, इससे कम भी हो सकती है, थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है, तो ये औसत लंबाई है इसकी। अब आपको ये बताइए कि जिस पर्ण के कक्ष से पुष्पक्रम विकसित होता है उस पर्ण को हम लोग क्या बोल देते हैं, ध्वज पर्ण, है ना। जिस लीफ के एक्सिस से इन्फ्लोरेसेंस डेवलप होता है उसको क्या बोल देते हैं, फ्लैग लीफ, या इसको बूट लीफ भी बोल देते हैं। तो ये एक फ्लैग लीफ या बूट लीफ हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया नर पुष्पक्रम के बारे में। अब अपने मादा पुष्पक्रम की बात करते हैं। तो मादा पुष्पक्रम जो है उसको अपने क्या क्या बोला था, भुट्टा या कॉप। और कॉप जो है वो कहाँ से, कहाँ पर डेवलप होता है, पौधे के निचले भाग में, ठीक है। निचले भाग पर जो भी पत्तियाँ उपस्थित होती हैं तो किसी न किसी पत्ती के कक्ष से जो कॉप या भुट्टा है वो विकसित होता है, ठीक है। तो एक पौधे पर बहुत सारे कॉब्स या जो भुट्टे हैं वो उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन जो टेसल है वो एक पौधे पर सिर्फ एक ही होता है, ठीक है। और भुट्टे की जो औसत लंबाई है वो कितनी रहती है, 25 सेंटीमीटर रहती है, इसकी जो एवरेज लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर रहेगी, ठीक है। और आप लोग इस तरह से रोम लाइक जो संरचनाएँ हैं या हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स देखते हो जो भुट्टे के बाहर की तरफ निकली हुई रहती हैं, ठीक है, इनको क्या बोल देते हैं, सिल्क बोल देते हैं। तो जब अपने भुट्टे की संरचना करेंगे या कॉप की स्ट्रक्चर करेंगे तो उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा। तो भुट्टा भी क्या, अभी एक तरह का पुष्पक्रम है या इन्फ्लोरिसेंस है। तो ये जिस पर्ण के या पत्ती के कक्ष से या लीफ के एक्सेस से डेवलप होगा उसको क्या बोलेंगे, ध्वजपर्ण, फ्लैग लीफ या बूट लीफ बोल देंगे। तो ये जनरल स्ट्रक्चर है या सामान्य संरचना है मक्के के पौधे की, तो ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब अपने सबसे पहले करेंगे इसका जो टेसल है या जो नर पुष्पक्रम है या मेल इन्फ्लोरिसेंस है वो किस तरह से होता है। तो डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा होगा टेसल में क्या होता है, अभी टेसल जो है वो किस तरह का पुष्पक्रम है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि किस टाइप का ये इन्फ्लोरिसेंस है। तो ये होता है कंपाउंड स्पाइक इन्फ्लोरिसेंस, ठीक है, या हिंदी में इसको बोलेंगे संयुक्त स्पाइक पुष्पक्रम, ठीक है, ये इसका टाइप है। आपने हॉर्टिकल्चर के अंदर टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम के प्रकार जो है ये टॉपिक पढ़ा होगा, है ना। तो उसमें एक आता है स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस, और स्पाइक जो है उसमें एक कंपाउंड भी होता है, ठीक है। तो कंपाउंड स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस या संयुक्त स्पाइक पुष्पक्रम जो है वो मक्का के पौधे में देखने को मिलता है। इसमें होता क्या, अभी एक तो इसमें होता है केंद्रीय अक्ष या सेंट्रल एक्सिस, और इस सेंट्रल एक्सिस या केंद्रीय अक्ष को क्या बोल देते हैं, रैकिस बोल देते हैं। अब इस केंद्रीय अक्ष, सेंट्रल एक्सिस या रैकिस पर बहुत सारी शाखाएं उपस्थित होती हैं, ठीक है, और इन शाखाओं को क्या बोल देते हैं, रेचिला बोल देते हैं, ठीक है। ये जो शाखाएं हैं या ब्रांचेस हैं इनको रेचिला कहा जाता है। और जो स्पाइकिकाएँ हैं ये कहाँ पर उपस्थित होती हैं, अभी ब्रांचेस पर उपस्थित होती हैं या शाखाओं पर उपस्थित होती हैं। इसके बिल्कुल सेंटर में या केंद्र के अंदर आपको एक स्पाइक देखने को मिलेगी जिसको केंद्रीय स्पाइक या सेंट्रल स्पाइक कहते हैं, ठीक है। चलिए तो आप लोग देख सकते हो जो स्पाइकिकाएं हैं वो शाखाओं पर उपस्थित हैं, ठीक है। तो ये तो होगी केंद्रीय स्पाइक या सेंट्रल स्पाइक, और जो लेटरल साइड में या पार्श्व स्पाइक्स निकली हुई रहेंगे उनको क्या बोलेंगे, पार्श्वीय स्पाइक या लेटरल स्पाइक। तो दो तरह की स्पाइक जो हैं वो देखने को मिलती हैं। तो स्पाइक जो हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में एक साथ रहती हैं, ठीक है। तो स्पाइक के समूह को हम लोग क्या बोल देते हैं, संयुक्त स्पाइक या कंपाउंड स्पाइक, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ स्पाइक्स क्या कहलाता है, कंपाउंड स्पाइक। और टेसल जो है इसका जो व्रंथ है या स्टॉक है वो क्या कहलाएगा, पुष्पावली व्रंथ, या इसको बोलेंगे पेडंका, ठीक है।
तो ये हमने टेसल की जनरल स्ट्रक्चर देखी, सामान्य संरचना देखी टेसल की। अब अपने देखेंगे कि जो स्पाइकिकाएँ हैं, है ना, या स्पाइकलेट्स हैं, ये आप लोग देख सकते हो, ये स्पाइकलेट्स हैं या स्पाइकिकाएँ हैं जो कि पार्श्व शाखाओं पर उपस्थित हैं, ठीक है, लेटरल ब्रांचेस के ऊपर या रैचिला के ऊपर उपस्थित हैं। तो अगर अपने स्पाइकिकाओं की बात करें तो जो स्पाइकिकाएँ हैं वो जोड़ों में पाई जाती हैं, ठीक है, जोड़ों के अंदर। एक जोड़े का मतलब क्या है, एक जोड़े के अंदर दो स्पाइकिकाएँ उपस्थित होंगी, है ना, एक पेयर के अंदर दो स्पाइकलेट्स उपस्थित होंगी। तो जैसा कि आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा होगा, यहाँ पे दो स्पाइकलेट्स हैं या स्पाइकिकाएँ हैं, एक तो ये स्पाइकलेट है, ये वाली जो स्पाइकलेट या स्पाइकिका है ये कैसी है, अभी अवृंतीय स्पाइकिका है, या इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, सेसाइल स्पाइकलेट बोलेंगे। तो अवृंतीय सेसाइल का क्या मतलब होता है कि इसके अंदर वृंत नहीं होगा या स्टॉक नहीं होगा, तो स्टॉकलेस जो स्पाइकलेट है उसको क्या बोलेंगे, सेसाइल स्पाइकलेट, है ना, वृंत रहित जो स्पाइकिका है उसको अवृंतीय स्पाइकिका कहा जाता है। तो एक तो ये हो गई अवृंतीय स्पाइकिका, और दूसरी जो स्पाइकिका है ना, वो कैसी होती है, वृंतीय होती है, वृंतीय स्पाइकिका, या इसको बोल देते हैं पेडिसिलेट स्पाइकिका। तो इसका जो वृंत है, ये देख सकते हो आप, लंबा वृंत है, और इस वृंत को क्या बोलेंगे हम लोग, पेडिसेल, इंग्लिश के अंदर क्या बोलेंगे, पेडिसेल, और हिंदी में इसको वृंत ही बोल देते हैं, ठीक है। तो ये है स्पाइकलेट्स पेयर या स्पाइकिका जोड़ा। तो स्पाइकिकाएं या स्पाइकलेट्स हमेशा जोड़ों के अंदर उपस्थित होती हैं। किस पर लगी रहती हैं, ये मातृ अक्ष या मदर एक्सिस पर लगी रहती हैं, ठीक है भाई। तो ये आपको सुन में आ गया होगा। चलिए अब अपने हर एक स्पाइकिका के अंदर चलते हैं, ठीक है, इन दोनों में से किसी भी एक स्पाइकिका के अंदर चलें तो उसके अंदर हमें क्या चीज़ मिलेगी वो हम लोग देखें। तो एक जो स्पाइकिका है उसके अंदर क्या कुछ मिलता है भी? उसके अंदर हमें मिलेगा कुछ ब्रैक्ट्स होंगे, सहपत्र होंगे जो बंधे होते हैं या स्टेराइल होते हैं, ठीक है। एक स्पाइकिका के अंदर आपको ध्यान में रखना है दो नर पुष्प होते हैं, कितने मेल फ्लावर्स होते हैं, दो मेल फ्लावर होते, मेल फ्लावर्स होते हैं एक स्पाइकलेट के अंदर, ठीक है। इन दोनों में से जो एक पुष्प है वो तो कैसा होता है, एवरंतीय होता है या सेसाइल होता है, एक फ्लावर जो है, और दूसरा जो फ्लावर है या दूसरा जो पुष्प है वो कैसा होता है, पेडिसिलेट होता है या वृंतीय होता है। तो दोनों पुष्पों के बारे में ये आपको पता होना चाहिए। हर एक पुष्प के अंदर कितने पुंकेसर होते हैं अभी, तीन पुंकेसर होते हैं। तो हर एक फ्लावर के अंदर तीन स्टामेंस उपस्थित होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, एक तो पुष्प ये हो जाएगा और दूसरा पुष्प जो है वो ये वाला हो जाएगा। अपने नीचे से स्टार्ट करते हैं, सबसे नीचे की तरफ क्या होता है, इसमें ग्लूम्स होते हैं, है ना, ग्लूम्स क्या है, अभी बंधे सहपत्र हैं या स्टेराइल ब्रैक्ट्स हैं। तो सबसे नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, निचला ग्लूम या लोअर ग्लूम, उसके ऊपर वाला जो ग्लूम है वो क्या कहलाएगा, ऊपरी ग्लूम या अपर ग्लूम। ग्लूम के ऊपर की तरफ क्या होता है, लेम्मा उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो एक लेम्मा तो ये है और दूसरा लेम्मा ये है, दो लेम्मा का मतलब दो फ्लावर्स या दो पुष्प, ठीक है। जब लेम्मा और पेलिया दो हैं, दो दो हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो फ्लावर्स हैं वो जोड़े के अंदर हैं या पेयर के अंदर हैं। तो दो लेम्मा हो गए। अब लेम्मा के कक्ष से, है ना, या लेम्मा के एक्सिस से क्या निकला रहता है, फ्लावर निकला रहता है। तो ये फ्लावर हो जाएगा और इस फ्लावर के अंदर आप लोग देख सकते हो कितने स्टामेंस हैं, तीन स्टामेंस या तीन पुंकेसर तो इस फ्लावर के अंदर हैं, और तीन स्टामेंस या तीन पुंकेसर ही इस फ्लावर के अंदर हैं, ठीक है। और ये जो पुंकेसर हैं या तीन स्टामेंस हैं ये कवर्ड रहते हैं या ढके हुए रहते हैं किसके द्वारा, पेलिया के द्वारा, ठीक है। तो पेलिया और जो लेम्मा है इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टाइल ब्रैक्ट्स या उर्वर सहपत्र, ठीक है। तो ये है अभी एक स्पाइकिका या एक स्पाइकलेट की स्ट्रक्चर। अब अपने फ्लोरल डायग्राम देखते हैं इसका। तो फ्लोरल डायग्राम आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा होगा, सबसे ऊपर की तरफ क्या होता है, इसका मातृ अक्ष या मदर एक्सिस होता है, जिस अक्ष के ऊपर या जिस टहनी के ऊपर या जिस ट्विग के ऊपर फ्लावर लगा रहता है या स्पाइकिका लगी रहती है वो क्या कहलाता है, मदर एक्सिस या मातृ अक्ष कहलाता है, ठीक है। तो एक स्पाइकिका के अंदर कितने पुष्प हैं, अभी दो पुष्प, दो नर पुष्प हैं, ठीक है, दो मेल फ्लावर्स हैं। तो सबसे पहले ऊपर वाला फ्लावर जो है ये हो जाएगा ऊपर वाला फ्लावर, अपर फ्लावर हो जाएगा। तो अपर फ्लावर के अंदर क्या होता है, अभी ग्लूम होता है एक, तो इसके अंदर ग्लूम आ जाएगा, ठीक है, और सबसे नीचे की तरफ भी क्या हो जाएगा, ग्लूम हो जाएगा। तो ये अपर ग्लूम है,
ऊपरी ग्लूम है और ये वाला जो है वो निचला ग्लूम है या लोअर ग्लूम है। तो इन दोनों ग्लूम्स के अंदर ही दोनों फ्लावर्स जो हैं या दोनों पुष्प जो हैं वो उपस्थित होते हैं। ठीक है, सबसे पहले ऊपर वाले पुष्प की बात कर लेते हैं। तो ऊपरी पुष्प के अंदर क्या होगा, अभी लैमा होगा और बिल्कुल सेंटर के अंदर ये देखो डॉट दिखा रखा है मैंने। डॉट डॉट इसलिए दिखाया है क्योंकि यहाँ पे कार्पेल या अंडप नहीं है, क्योंकि ये कैसा है, नर पुष्प है, तो नर पुष्प में मादा भाग नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे कार्पेल या जो अंडप है उसका अभाव होता है। इसके अलावा इसमें मुख्य भाग क्या होगा, अभी पुंकेसर होंगे या स्टामेंस होंगे, जो कितने होते हैं, तीन होते हैं, तो एक दो और तीन, तो तीन पुंकेसर हैं। इसके अलावा इसमें क्या होता है, अभी रिड्यूस्ड टेपल्स होते हैं, हरासित परिदल होते हैं, और इनको क्या बोल देते हैं हम लोग, लोडिक्यूल्स। तो कितने लोडिक्यूल्स हैं, दो। ठीक है, और फिर नीचे की तरफ क्या होगा, इसमें पेलिया हो, तो एक पेलिया है। तो ये तो हो गया ऊपरी या एक नर पुष्प या मेल फ्लावर। उसके बाद दूसरे मेल फ्लावर की बात करें तो इसमें ऊपर की तरफ क्या होगा, इसमें पेलिया होगी, पेलिया के बाद फिर इसमें लोडिक्यूल्स होंगे, वही रिड्यूस्ड टेपल्स या जो परिदल हैं हरासित, दो होंगे ये, और तीन पुंकेसर हैं इसके अंदर भी, थ्री स्टामेंस हैं, तो एक दो और तीन, तीन स्टामेंस हैं। बिल्कुल सेंटर में डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब इसमें कार्पेल या अंडप जो है उसका पूर्णतया अभाव है। ठीक है, तो ये क्या है, नर पुष्प है, और फिर क्या होगा इसके अंदर, नीचे की तरफ लेमा होगा। ठीक है, तो इस तरह से दो फ्लावर्स या दो नर पुष्प या मेल फ्लावर्स जो हैं वो दो ग्लूम्स के अंदर है ना, दो ग्लूम्स जो कि ब्रैक्ट्स हैं, स्टेराइल ब्रैक्ट्स हैं, इनके अंदर ये क्या रहते हैं, बंद रहते हैं या एनक्लोज रहते हैं। तो ये हो जाएगा अभी नर पुष्प चित्र या मेल फ्लोरल डायग्राम। ठीक है, तो ये हमने टेसल की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम लोग देखते हैं भुट्टे की संरचना या कॉब की स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, तो पौधे की पर्ण के कक्ष से भुट्टा जो है वो विकसित होता है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीमेल इन्फ्लोरेसेंस या मादा पुष्पक्रम बोलते हैं। ठीक है, और इसके अंदर मादा पुष्प या फीमेल फ्लावर्स जो हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो प्लांट की जो लोअर लीव्स होती हैं उनके एक्सिस से जो कॉब है वो डेवलप होता है। तो अब आपसे ये पूछा जाएगा कि जो कॉब है या भुट्टा है वो कौन से टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है या किस प्रकार का पुष्पक्रम होता है। तो ये होता है अभी स्पैडिक्स। ठीक है, इसका नाम क्या है, स्पैडिक्स पुष्पक्रम या स्पैडिक्स इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, इसमें क्या होता है, अभी केंद्रीय अक्ष पर, इसमें सिर्फ केंद्रीय अक्ष होता है, सेंट्रल एक्सिस होता है, इसमें ब्रांचेस या शाखाओं का पूर्णतया अभाव होता है। ठीक है, शाखाएं इसमें नहीं होंगी या ब्रांचेस नहीं होंगी। तो केंद्रीय अक्ष पर या सेंट्रल एक्सिस पर जो स्पाइकिकाएं हैं या स्पाइकलेट्स हैं वो जोड़ों में उपस्थित होती हैं या पेयर्स के अंदर पाई जाती हैं। और एक पेयर में कितनी स्पाइकिकाएं होंगी, फिर दो स्पाइकिकाएं होंगी। ठीक है, तो इसको अपने डायग्राम से समझ लेते हैं। तो मक्के का जो भुट्टा है वो आपने खाया होगा सभी ने। ठीक है, तो सबसे नीचे की तरफ क्या होता है, इसमें स्टॉक होता है, इसका व्रंत होता है, और इस व्रंत को क्या बोल देते हैं, पेडंकल, या हिंदी में इसको बोलते हैं पुष्पावली व्रंत। तो पुष्पावली व्रंत जो है इसके ऊपर सेंट्रल एक्सिस या केंद्रीय अक्ष होता है, और इस केंद्रीय अक्ष के ऊपर आपने देखा होगा ग्रेन्स या दाने जो हैं वो लगे हुए रहते हैं। ठीक है, अब ये जो ग्रेन्स या दाने हैं ये किससे डेवलप हुए हैं, मादा पुष्प से या फीमेल फ्लावर से डेवलप हुए हैं, जो कि पहले क्या थे, फीमेल फ्लावर थे, मादा पुष्प थे, बाद में विकसित होकर वो क्या बना दिया उन्होंने, ग्रेन्स बना दिए या दाने बना दिए। ठीक है, तो ये क्या है, स्पाइकिकाएं हैं या स्पाइकलेट्स हैं जो कि केंद्रीय अक्ष पर उपस्थित हैं। अब हर एक जो स्पाइकिका है उसके अंदर क्या उपस्थित होता है, अभी मादा पुष्प या फीमेल फ्लावर्स उपस्थित होते हैं। अब हर एक फीमेल फ्लावर के अंदर क्या होती है, स्टाइल उपस्थित होती है या वर्तिका उपस्थित होती है। तो वर्तिका की लंबाई बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे लंबी वर्तिका या लॉन्गेस्ट स्टाइल कौन से प्लांट में या कौन से पौधे में होती है, तो आप लोग क्या बताओगे, मक्का के अंदर। ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्ड आई से देख सकते हैं, नग्न आंखों से देख सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा मक्के का भुट्टा जब भी खोला जाता है, ठीक है, तो सबसे बाहर की तरफ क्या होता है, अभी हरे रंग की पत्तियाँ होती हैं, है ना, ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं, और इनको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्पेथ बोल देते हैं। ठीक है, स्पेथ इनका नाम है। तो ये है क्या, एक तरह का पर्ण आच्छद है या लीफ शीथ है। तो लीफ के द्वारा या पर्ण के द्वारा भुट्टे को ढका हुआ है, कवर किया हुआ है प्रोटेक्शन के लिए या सुरक्षा के लिए। तो हमने क्या किया, अभी स्पेथ या पर्ण आच्छद जो था या हरे रंग की जो पत्तियां थी उसको हटाया। तो उसको हटाते ही हम लोग क्या देखते हैं, धागेनुमा संरचनाएं दिखाई देती हैं जो कि लंबाई में फैली हुई रहती हैं। ठीक है, और इन्हीं धागेनुमा संरचनाओं के लिए क्या नाम दिया गया है, हस्क। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, हस्क बोल देते हैं। तो ये जो हस्क्स हैं ये
वर्तिकाएं होती हैं, है ना, या स्टाइल्स होती हैं, किसके, फीमेल फ्लावर्स के या मादा पुष्पों के, ठीक है, जो बाहर निकल आते हैं और पूरी लंबाई के अंदर, भुट्टे की पूरी लंबाई के अंदर फैले हुए रहते हैं, और उनको क्या बोल देते हैं, हस्क्स बोल देते हैं। अब ये जो वर्तिकाएं हैं या स्टाइल्स हैं, ये भुट्टे के ऊपर जाकर एक झाड़ीनुमा या ब्रश के समान संरचना बनाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा भुट्टे के ऊपर की तरफ रोम निकले हुए रहते हैं या हेयर्स निकले हुए रहते हैं, और इन्हीं हेयर्स या रोम को हम लोग क्या बोलते हैं, सिल्क बोल देते हैं, ठीक है। तो ये है अभी भुट्टे की संरचना जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब इसको अपने आगे कंटिन्यू करते हैं। अब प्रत्येक जोड़े में दो स्पाइकिकाएं होंगी, बिल्कुल वही कंडीशन है जो अपने टेसल के अंदर देखा था। तो प्रत्येक जोड़े में कितनी होंगी, दो स्पाइकिकाएं होंगी, दोनों में से एक जो स्पाइकिका है वो कैसी होगी, एवरंतीय होगी या सेसाइल स्पाइकलेट होगी, और दूसरी जो स्पाइकिका है वो क्या होगी, व्रंतीय स्पाइकिका होगी या पेडिसलेट होगी। तो ये बिल्कुल टेसल के समान ही है। तो मदर एक्सिस या मातृ अक्ष पर ये दोनों की दोनों स्पाइकिकाएं जो हैं वो लगी रहती हैं। तो ये हो जाएगा स्पाइकलेट पेयर या स्पाइकिका जोड़ा, ठीक है। अब अपने प्रत्येक स्पाइकिका की बात करते हैं। प्रत्येक स्पाइकिका में आपसे पूछा जाएगा कि कितने मादा पुष्प होते हैं, तो दो मादा पुष्प होते हैं या दो फीमेल फ्लावर्स होते हैं। दोनों में से एक जो है वो तो शीर्ष पर लगा रहता है ना, बिल्कुल एपिकल होता है या एपेक्स पर लगा रहता है, और दूसरा जो फीमेल फ्लावर होता है, मादा पुष्प होता है, वो कैसा होता है, पार्श्वीय होता है या लेटरल होता है, ठीक है। अब इनमें से जो शीर्षस्थ पुष्प होगा, है ना, वो तो कैसा होगा भाई, उर्वर होता है या फर्टाइल होता है, क्योंकि इसके अंदर अंडप या कार्पेल उपस्थित होता है। लेकिन जो पार्श्वीय पुष्प होगा या लेटरल जो फीमेल फ्लावर होगा वो कैसा होगा, बंधे होगा या स्टेराइल होगा, क्योंकि इसके अंदर कार्पेल या अंडप उपस्थित नहीं होता है। तो ये इसकी खास बात होती है। अब प्रत्येक मादा पुष्प के अंदर कितने अंडप होते हैं, अभी एक अंडप होता है ना, तो आप लोग देख सकते हो सिर्फ एक अंडप है, एक कार्पेल है, ठीक है। चलिए अब स्पाइकलेट की जो संरचना है वो बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे पहले आपने देखी थी। नीचे की तरफ क्या होते हैं, इसमें दो ग्लूम्स होते हैं, निचला, सबसे नीचे की तरफ का जो ग्लूम है वो निचला ग्लूम या लोअर ग्लूम कहलाता है, और इससे ऊपर की तरफ का जो ग्लूम है वो क्या कहलाएगा, ऊपरी ग्लूम या अपर ग्लूम कहलाता है। उसके बाद क्या होगा, अभी लेम्मा होंगे, कितने होते हैं, दो होते हैं, और लेम्मा के एक्सिस से ही, केंद्र से ही जो फ्लावर्स हैं या पुष्प हैं वो निकले हुए रहते हैं, ठीक है। इसमें से बिल्कुल सेंटर में ऊपर की तरफ दिख रहा होगा आपको, ये है शीर्ष पुष्प या एपिकल फ्लावर। ये कैसा होता है अभी, उर्वर या फर्टाइल होता है, क्योंकि इसके अंदर एक अंडप उपस्थित होता है। तो ये अंडप किसके द्वारा कवर्ड रहेगा, पेलिया के द्वारा कवर्ड रहेगा, ढका हुआ रहेगा, ठीक है। जो लेटरल पुष्प है या पार्श्व पुष्प है या लेटरल फ्लावर जो है, ये कैसा होता है, बंधे या स्टेराइल होता है, क्योंकि इसके अंदर कार्पेल या अंडप जो है वो उपस्थित नहीं होता, ठीक है। और इसके अंदर भी क्या उपस्थित होता है, एक पेलिया जो है वो उपस्थित होती है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी जो स्पाइकिका है वो हम लोग देखेंगे फ्लोरल डायग्राम के अंदर। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हालांकि पहले मैंने बता ही दिया है, सबसे लंबी जो वर्तिका है वो मक्का के मादा पुष्प में पाई जाती है ना। लॉन्गेस्ट जो स्टाइल है वो मेज प्लांट के फीमेल फ्लावर में देखने को मिलती है, और इसकी लंबाई आपसे पूछी जाए तो कितनी होती है, 30 सेंटीमीटर होती है, है ना, 30 सेंटीमीटर जो है इसकी लंबाई जो है, लेंथ जो है वो होती है, ठीक है। और ये आपको मैंने बता ही दिया, सभी मादा पुष्पों की जो लंबी वर्तिकाएं हैं, ठीक है, वो भुट्टे के शीर्ष पर सिल्क का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो सिल्क का जो निर्माण है वो किसके द्वारा होता है, वर्तिकाओं के द्वारा होता है या स्टाइल्स के द्वारा सिल्क का फॉर्मेशन जो है वो किया जाता है, ठीक है। तो ये है अभी स्पाइकिका या स्पाइकलेट, एक स्पाइकिका होगी। अब फ्लोरल डायग्राम के अंदर अगर आपने देखें तो सबसे ऊपर की तरफ क्या होगा, अभी मातृ अक्ष या मदर एक्सिस होगा, जिस टहनी के ऊपर या ट्विग के ऊपर या अक्ष के ऊपर जो स्पाइकिका है वो लगी रहेगी, है ना, उसको क्या बोलेंगे, मातृ अक्ष या मदर एक्सिस बोल देंगे। और ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या होता है, ग्लूम्स होते हैं, ये अपर ग्लूम हो जाएगा और ये लोअर ग्लूम हो जाएगा। इसके अंदर दोनों के दोनों जो मादा पुष्प हैं वो बंद रहते हैं। अब इसमें से ये वाला जो मादा पुष्प है ये कौन सा पुष्प है, शीर्ष पुष्प है या एपिकल फ्लावर है। एपिकल फ्लावर के अंदर क्या होता है, अभी एक तो लेम्मा होता है और इसके अंदर बिल्कुल सेंटर में क्या होगा, एक अंडप या एक कार्पेल होगा, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है, अभी रिड्यूस्ड एपल्स या हरासित परिदल होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, लोडिक्यूल्स बोल देते हैं। तो कितने लोडिक्यूल्स हैं, दो लोडिक्यूल्स हैं। और इसके अंदर नीचे की तरफ क्या होगा, पेलिया होगा। तो ये हो गया एक
पुष्प या शीर्ष पुष्प या इसको एपिकल फ्लावर बोल देते हैं, जो कि कैसा है, फर्टाइल या उर्वर है, ठीक है। उसके बाद निचले फ्लावर की बात कर लेते हैं, तो उसके अंदर पेलिया हो जाएगी ऊपर की तरफ और उसके नीचे की तरफ बिल्कुल सेंटर में देखो मैंने डॉट लगा रखा है। डॉट का मतलब ये है कि इसमें कार्पेल या अंडप का पूर्णतया क्या है, अभाव है, तो इसमें कार्पेल एब्सेंट है। और इसके अलावा इसमें क्या होगा फिर, लोडिक्यूल या लोडिक्यूल्स होंगे जो कि क्या है, रिड्यूस्ड टेपल्स हैं या हरासित परिदल है, ठीक है। तो इसके अंदर कार्पेल या अंडप नहीं है, इसीलिए हम लोग इस पुष्प को क्या बोलेंगे, बंध्य पुष्प या स्टेराइल फ्लावर, ठीक है। और इसके अंदर एक लेम्मा भी होता है नीचे की तरफ। तो ये हो जाएगा अभी फीमेल फ्लोरल डायग्राम या मादा पुष्प चित्र, इसके बारे में, इससे आपको काफ़ी डिटेल के बारे में पता चलेगा। तो इस तरह से हमने पुष्पक्रम के बारे में देख लिया। मक्के के पौधे के अंदर दो तरह के पुष्पक्रम हैं, नर पुष्पक्रम और मादा पुष्पक्रम, टेसल और कॉब। तो इनकी संरचना जो है वो हमने देख ली है। अब अपने बात करते हैं परागण की। तो मक्का का जो पौधा है या मेज़ का जो प्लांट है, उसमें जो पॉलिनेशन है या परागण जो है वो किसके द्वारा होता है, वायु के द्वारा होता है, हवा के द्वारा होता है। और इस तरह का जो परागण है या पॉलिनेशन है वो क्या कहलाता है, एनिमोफिली, ठीक है, या वायु परागण बोलते हैं इसको। अब मक्का के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है भाई, पर परागण होता है, ठीक है, या क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो इसका मतलब मक्का क्या है भाई, पर परागित फसल है या क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। इसके अंदर कितने प्रतिशत पर परागण या कितने परसेंट जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है, तो 95% या 95%। और बाकी क्या बचा अभी, स्वपरागण। तो स्वपरागण कितना होगा, सिर्फ 5% होता है या 5%, ठीक है। तो 5% सेल्फ पॉलिनेशन एंड 95% क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो मक्के में देखने को मिलता है, ठीक है। अब मक्का में पर परागण के लिए कौन कौन सी अनुकूलताएं पाई जाती हैं, ठीक है, मेज़ के प्लांट के अंदर क्रॉस पॉलिनेशन के लिए कौन कौन सी अडेप्टेशन हैं, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहली अडेप्टेशन या अनुकूलता क्या है अभी, द्विलिंगाश्रयी पुष्पक्रम, ठीक है, यानी मोनोइशियस इन्फ्लोरेसेंस। नर और मादा पुष्प दोनों के दोनों अलग अलग होते हैं, एक ही पौधे पर उपस्थित होते हैं और अलग अलग पुष्प क्रमों के अंदर या अलग अलग इन्फ्लोरेसेंस के अंदर मेल और फीमेल फ्लावर्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली अडेप्टेशन या अनुकूलता ये है, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा अभी, एक लिंगी पुष्प, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, मैंने आपको बता ही दिया, मेल फ्लावर या नर पुष्प अलग होंगे और फीमेल फ्लावर या मादा पुष्प जो हैं वो अलग होते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है अभी, वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा और एंथर्स यानी परागकोश, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो ज़्यादा होती है, बढ़ जाती है, जिससे स्वपरागण के चांसेस या जो सेल्फ पॉलिनेशन है उसके चांसेस कम हो जाते हैं और पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरी अडेप्टेशन की बात करें, नर व मादा पुष्पक्रमों के परिपक्वन काल में अंतर, ठीक है, जो मेल एंड फीमेल इन्फ्लोरेसेंस हैं इनके मैचुरेशन पीरियड के अंदर डिफरेंस पाया जाता है, ठीक है। तो मेज के अंदर क्या होता है भी, जो मेल इन्फ्लोरेसेंस है यानी कि जो टेसल है वो पहले परिपक्व हो जाता है या पहले मैच्योर हो जाता है, जबकि जो कॉब या भुट्टा है वो बाद में मैच्योर होता है या बाद में वो परिपक्व होता है, ठीक है। तो इस तरह से इनके परिपक्वन काल या मैचुरेशन पीरियड के अंदर डिफरेंस होता है, तो ये भी एक अडेप्टेशन है इसमें। उसके बाद चौथी अडेप्टेशन इसके अंदर है, जो इसके अंदर सिल्क तंतु हैं या सिल्क फाइबर्स हैं, है ना, वो संपूर्ण लंबाई में ग्राही होते हैं, है ना। इसका मतलब जो वर्तिकाग्र होगी या स्टाइल होगी वो जहाँ से शुरू होती है वहाँ से लेके बिल्कुल लास्ट तक यानी कि 30 सेंटीमीटर तक कहीं पर भी परागकण या पोलन ग्रेन गिर जाए वो उसको रिसीव कर लेगी, ठीक है, और परागकण का वहीं पर ही अंकुरण हो जाएगा, जर्मिनेशन हो जाएगा और आगे फर्टिलाइजेशन या निषेचन हो जाता है, ठीक है। तो सिल्क तंतु या सिल्क फाइबर्स या हम कह सकते हैं वर्तिका या स्टाइल जो है वो अपनी संपूर्ण लंबाई में क्या होती है, ग्राही होती है, अपनी कंप्लीट लेंथ के अंदर क्या होती है, ये रिसेप्टिव होती है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण। पांचवी जो अडेप्टेशन है वो क्या है भी, असंख्य परागकण उत्पादन, ठीक है, इन्फिनिटिव पॉलन ग्रेन प्रोडक्शन। तो पॉलन ग्रेन्स या परागकणों का उत्पादन जो है वो लाखों करोड़ों की संख्या में किया जाता है एक पौधे के द्वारा, ठीक है, ताकि ये जो परागकण है या पॉलन ग्रेन्स हैं वो आसानी से दूसरे पौधों तक पहुँच सकें, ठीक है, हवा के द्वारा और पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन कर सकें, ठीक है। तो ये पांच अडेप्टेशंस या अनुकूलन हैं
मक्का के पौधे के अंदर जो क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण को स्टिमुलेट करती हैं या उत्प्रेरित करती हैं या उसको बढ़ावा देती हैं या एनक्रोज करती हैं। ठीक है, चलिए, तो मक्का के अंदर पुंप पूर्वता पाई जाती है, यानी कि प्रोटेंड्री कंडीशन पाई जाती है, प्रोटेंड्रस कंडीशन। प्रोटेंड्रस का मतलब क्या होता है, भाई जो फीमेल फ्लावर है ना, सॉरी जो मेल फ्लावर है यानी जो नर पुष्प है उसके अंदर जो पराकोष होते हैं या एंथर्स होते हैं वो पहले मैच्योर हो जाते हैं, है ना, पहले परिपक्व हो जाते हैं या मैच्योर हो जाते हैं, जबकि मादा पुष्प के अंदर जो वर्तिकाग्र उपस्थित होती है या स्टिग्मा उपस्थित होती है ना, स्टिग्मा जो है वो स्टाइल ही होती है, जो वर्तिकाग्र है वो पूरी की पूरी क्या होती है, वर्तिका होती है, तो वो क्या होती है, बाद में मैच्योर होती है या बाद में परिपक्व होती है, और ये इस कंडीशन को हम लोग क्या बोल देते हैं, पुंप पूर्वता या प्रोटेंड्रस कंडीशन। ठीक है, अब जो टेसल है यानी कि जो नर पुष्पक्रम है या मेल इन्फ्लोरेसेंस है उसमें जो पुष्पन होता है या फ्लावरिंग होती है वो भुट्टे में यानी कि कॉब के अंदर फ्लावरिंग होने से दो दिन पहले से ही शुरू हो जाती है, मतलब दो दिन पहले ही फ्लावरिंग या पुष्पन हो जाता है टेसल के अंदर या मेल इन्फ्लोरेसेंस या नर पुष्पक्रम के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब जो मेल फ्लावर्स हैं या नर पुष्प हैं वो पहले मैच्योर हो जाएंगे, है ना, पहले परिपक्व हो जाएंगे, और इसी को क्या बोल देते हैं, पुंप पूर्वता या प्रोटेंड्रस कंडीशन बोल देते हैं। अब मक्का में क्या, अभी जो मेज का प्लांट है वो 14 दिन तक लगातार जो परागकण है उनको गिराता रहता है। ठीक है, मेज के एक प्लांट से जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो कंटिन्यूअसली गिरते रहेंगे, कितने दिन तक, 14 दिनों तक, है ना, 14 डेज तक कंटिन्यूअसली पॉलन शेडिंग होती रहती है। तो इससे इसका फ़ायदा क्या है, अभी ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहते हैं किसके, पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन के। ठीक है, और सभी जो फ्लावर्स हैं या सभी पुष्प जो हैं उनका जो परागण है या पॉलिनेशन है वो इससे हो सकता है जो इन 14 दिनों के अंदर, तो ये बहुत लंबा टाइम पीरियड है या लंबा समय है, तो जो मक्के के प्लांट के अंदर या मेज के प्लांट के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, अब जो परागकण परागकोष से निकलेगा, जो पॉलन ग्रेन जो है वो एंथर से रिमूव होगा या निकलेगा, उसकी जो जीवन क्षमता है या उसकी जो वायबिलिटी है वो कितनी होती है, अभी 24 आवर्स, 24 घंटे, तो 24 घंटे तक जो परागकण है वो जीवित बना रहता है या जीवनक्षम बना रहता है, यानी कि 24 घंटे के अंदर अंदर वो क्या कर सकता है, परागण के बाद निषेचन कर सकता है। ठीक है, पॉलिनेशन के बाद वो फर्टिलाइजेशन कर सकता है। ठीक है, तो ये होती है परागकणों की जीवन क्षमता या वायबिलिटी ऑफ द पॉलन ग्रेन्स। अब जो फीमेल इन्फ्लोरेसेंस है या मादा पुष्पक्रम है उसके अंदर जो फीमेल स्पाइकलेट्स होती हैं या मादा स्पाइकिकाएँ होती हैं उसके अंदर जो पुष्पन है या फ्लावरिंग है वो टेसल के पूर्ण रूप से खिलने के पश्चात, मतलब जो टेसल है उसके अंदर फ्लावरिंग कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, उसके 2 से 5 दिन के पश्चात जो है वो फीमेल इन्फ्लोरेसेंस के अंदर या मादा पुष्पक्रम के अंदर फ्लावरिंग शुरू होगी या पुष्पन जो है वो शुरू होता है। ठीक है, तो ये क्या है, प्रोटेंड्रस कंडीशन है या पुंप पूर्वता अवस्था है। ठीक है, तो मक्का में क्या होता है, भी जो संपूर्ण वर्तिका है ना, वो वर्तिकाग्र का कार्य करती है, इसका मतलब इसमें वर्तिकाग्र या स्टिग्मा जो है वो अलग से नहीं होती। ठीक है, जो कंप्लीट स्टाइल होगी वो स्टिग्मा का कार्य करेगी। ठीक है, ये इसकी खास बात होती है। और वर्तिका जो है कब तक रिसेप्टिव बनी रहेगी, जो स्टिग्मा है कब तक रिसेप्टिव रहेगी, 14 दिनों तक। ठीक है, तो 14 दिनों तक ये ग्राही या रिसेप्टिव बनी रहती है ताकि कोई भी परागकण आए या पॉलन ग्रेन आए तो उसको ये ग्रहण कर सके और आगे निषेचन करके सीड का फॉर्मेशन कर सके। ठीक है, तो ये इसकी खास बात होती है। चलिए, उसके बाद फ्लावर या फल की बात कर लेते हैं, तो इसका फ्लावर किस टाइप, सॉरी फ्रूट या फल की बात कर लेते हैं, इसका फ्रूट किस टाइप का होता है, अभी कैरियोप्सिस, है ना, तो धान के अंदर भी मैंने आपको कैरियोप्सिस टाइप बताया था और इसके अंदर भी किस टाइप का फ्रूट है, कैरियोप्सिस टाइप का है। तो इसमें क्या होता है, फल भित्ति या जो फ्रूट वॉल है जिसको पेरिकार्प भी बोलते हैं वो फ्यूज्ड हो जाती है या संलयित हो जाती है, किसके साथ, सीड कॉट के साथ या बीज चोल के साथ। तो हम लोग ये नहीं बता सकते कि ये बीज है या ये फल है, इसका मतलब वही बीज होता है और वही फल होता है, तो इस तरह के फल को हम लोग क्या बोल देते हैं, कैरियोप्सिस बोल देते हैं। तो इसमें भी फल का टाइप कौन सा है, कैरियोप्सिस है। तो ये है भी फ्लोरल बायोलॉजी या पुष्पीय बायोलॉजी किसकी,
मक्का या मेज प्लांट की। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं प्रजनन उद्देश्य या ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो मक्का के पौधे में जो ब्रीडिंग करवाई जाती है या प्रजनन करवाया जाता है ना, या हम लोग जितनी भी प्रजनन विधियों का उपयोग करते हैं वो किन किन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए करते हैं, तो उन उद्देश्यों के बारे में या ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे सबसे पहला आपको दिख रहा होगा अधिक उपज या हायर यील्ड। लगभग सभी क्रॉप्स के अंदर जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है या प्राथमिक उद्देश्य है वो यही रहता है कि हमें उस फसल से ज़्यादा उपज मिल सके, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी यील्ड जो है वो हमें ऑब्टेन हो सके। और मैंने ये भी बताया था आपको कि अलग अलग फसलों के अंदर या अलग अलग क्रॉप्स के अंदर जो यील्ड है या उपज है वो अलग अलग कारकों पर निर्भर करती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अलग कारकों पर निर्भर करेगी, तो कौन कौन से कारक या फैक्टर्स हैं, तो जैसे सबसे पहला है प्रति पौधा भुट्टों की संख्या, ठीक है, नंबर ऑफ कॉब्स पर प्लांट। मैंने आपको बताया था कि एक पौधे पर जो टेसल है वो तो सिर्फ एक ही होगा, लेकिन जो कॉब्स हैं या भुट्टे हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं। तो जितने ज़्यादा संख्या में भुट्टे होंगे या कॉब्स होंगे उतना ही ज़्यादा प्रोडक्शन या उत्पादकता होगी, ठीक है। दूसरा जो फैक्टर है वो क्या है, भुट्टे का आकार, है ना, लेंथ ऑफ कॉब या साइज ऑफ कॉब। तो जो कॉब है वो जितना ज़्यादा चौड़ा होगा या जितनी उसकी लंबाई अधिक होगी उतनी ही ज़्यादा संख्या में उसके अंदर ग्रेन्स या दानों का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और जितने ज़्यादा ग्रेन्स बनेंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी होगी या उत्पादकता होगी। उसके बाद तीसरा है प्रति भुट्टा कतारों की संख्या, ठीक है, जो कतारें हैं या रोज हैं, नंबर, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्रति भुट्टा कतारों की संख्या या पर कॉब नंबर ऑफ रोज, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा रोज या कतारें होंगी एक भुट्टे के अंदर या कॉब के अंदर उतने ही ज़्यादा संख्या में दाने बनेंगे या ग्रेन्स बनेंगे, है ना, और उतनी ही ज़्यादा यील्ड या उपज जो है वो हमें प्राप्त हो। और चौथा क्या, अभी प्रति कतार दानों की संख्या, नंबर ऑफ ग्रेन्स पर रो, ठीक है, हर एक रो के अंदर या कतार के अंदर दानों की संख्या जितनी ज़्यादा हो उतनी ही ज़्यादा यील्ड या उत्पादकता होगी। और लास्ट है दानों का आकार, दाने का जो आकार है जितना बड़ा होगा उतना ही दाने का भार ज़्यादा होगा, है ना, और जो यील्ड या उपज है वो हम लोग भार के अकॉर्डिंग ही लेते हैं, है ना, इतने क्विंटल पर हेक्टेयर। तो जो साइज है ग्रेन्स का वो जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा यील्ड या उपज हमें प्राप्त होगी। तो ये है अभी सबसे पहला उद्देश्य या सबसे पहला ऑब्जेक्टिव। उसके बाद दूसरा आता है अभी अनुकूलन या अडेप्टेशन। तो जो मक्के का पौधा है या मेज प्लांट है ये कैसा होता है, अभी शॉर्ट डे प्लांट होता है ना, या इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लघु दीप्तिकालिक प्लांट या लघु दीप्तिकालिक पौधा। तो इसको फ्लावरिंग के लिए या पुष्पन के लिए 8 घंटे प्रकाश, लगभग 8 घंटे और 16 घंटे अंधेरे की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसको जो प्रकाश काल है वो कम चाहिए और जो अंधेरा है वो ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, शॉर्ट डे प्लांट बोल देते हैं। अब मक्का के अंदर जो फ्लावरिंग है या पुष्पन की जो प्रक्रिया है वो 2 कारकों के ऊपर या फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, एक तो है प्रकाश अवधि यानी कि फोटो पीरियड और दूसरा है तापमान या टेम्परेचर, ठीक है। तो हमें मक्का के अंदर ऐसी किस्मों को विकसित करना है जो प्रकाश के प्रति असंवेदी हों, है ना, जो लाइट के अकॉर्डिंग क्या हो, इनसेंसिटिव हो, मतलब लाइट का या प्रकाश का फ्लावरिंग के ऊपर या पुष्पन की प्रक्रिया के ऊपर कोई प्रभाव न पड़ता हो, ठीक है। अब आपको पता है कि जो लाइट की अमाउंट है या प्रकाश की मात्रा है वो हर दिन एक जैसी नहीं रहती, है ना, इक्वल नहीं रहती, वो चेंज होती रहती है, ठीक है। और इसका किसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, अभी फ्लावरिंग के ऊपर या पुष्पन के ऊपर, जिसकी वजह से यील्ड जो है या उपज जो है वो प्रभावित होती है, ठीक है। दूसरा हमें क्या करना है, अभी इसके अंदर शीघ्र पकने वाली किस्मों का निर्माण करना है, है ना, अर्ली मैच्योरिंग जो वैरायटीज़ हैं वो डेवलप करनी है ताकि जो टेम्परेचर की वजह से या तापमान की वजह से इसकी उपज के ऊपर प्रभाव पड़ता है वो कम हो सके। तो ये दूसरा इसके अंदर उद्देश्य है या ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद तीसरा हम लोग बात करते हैं इसकी क्वालिटी या गुणवत्ता की, ठीक है। तो मक्का के बीजों के अंदर आपसे पूछा जाए, मेज़ के जो सीड्स होते हैं उसके अंदर कितने परसेंट प्रोटीन होती है, तो टोटल 10% या 10% प्रोटीन जो है वो होती है सीड्स के अंदर। अब इस 10% प्रोटीन में से 8% प्रोटीन प्रोलैमिन होती है ना, प्रोलैमिन क्या है, प्रोटीन का एक नाम है, तो 8% प्रोलैमिन प्रोटीन होती है और इसका पॉपुलरली नाम क्या है, इस प्रोलैमिन प्रोटीन का जीन, ठीक है, जीन प्रोटीन है।
तो जीन प्रोटीन के ऊपर या सिर्फ जीन जो है ZEIN, ये नाम आपको एग्जाम के अंदर मिल सकता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये क्या है, तो आपको ये बताना है कि ये प्रोलैमिन प्रोटीन है जो कि 8% है टोटल प्रोटीन की, जो कि बीज के अंदर, मक्का के बीज के अंदर या मेज़ के सीड के अंदर उपस्थित होती है, ठीक है। इसका पॉपुलरली नाम क्या है, जीन प्रोटीन। चलिए अब मक्का की अगर अपने प्रोटीन की क्वालिटी की बात करें तो इसके अंदर दो अमीनो अम्ल जो हैं, जो दो अमीनो एसिड्स हैं उनकी डेफिशिएंसी होती है या कमी होती है। तो कौन कौन से हैं अभी, लाइसिन व ट्रिप्टोफेन, इन दोनों अमीनो अम्लों की कमी होती है, ठीक है। तो इसके अलावा और किस चीज़ की कमी होती है अभी, विटामिन बी थ्री की भी कमी होती है। आपको पता होगा कि जो विटामिन बी थ्री है इसकी कमी से या डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज़ होता है, पेलेग्रा रोग होता है ना, पेलेग्रा डिजीज़ जो है इसकी डेफिशिएंसी से हो जाती है। तो ये गुणवत्ता से संबंधित कारक हैं इसके। अब जो उपज है उसका प्रोटीन की मात्रा के साथ विपरीत संबंध होता है, ठीक है। प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने पर, अगर अपने मान लीजिए प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि 10% है, अब 10% से मान लीजिए हम लोग 12% करना चाहते हैं, ठीक है, तो इससे इफेक्ट क्या होगा, अभी उपज कम हो जाएगी, ठीक है। ऐसा क्यों होता है अभी, इसका कारण ये है कि प्रोटीन के निर्माण के लिए है ना, या प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना, एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। तो एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी तो इसका मतलब ज़्यादा रेस्पिरेशन या श्वसन करना होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फूड चाहिए होगा, और वो फूड कहाँ से आएगा, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस से आएगा, ठीक है। तो इसलिए उपज जो है वो कम हो जाती है अगर हम प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उस दूसरी तरफ अगर अपने देखें स्टार्च के साथ क्या संबंध है, तो उपज का स्टार्च की मात्रा के साथ सीधा संबंध होता है। इसका मतलब स्टार्च की मात्रा को जैसे जैसे हम लोग बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे जो उपज है मक्का की वो भी बढ़ती जाती है, ठीक है। इसका कारण क्या है, अभी स्टार्च बनाने के लिए कम मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसका मतलब हमें कम मात्रा में, पौधे को कम मात्रा में क्या करना पड़ेगा, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए स्टार्च की मात्रा को हम लोग बढ़ा सकते हैं। स्टार्च क्या है, अभी कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड है, और उससे क्या होगा, उपज या यील्ड जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये तीसरा ऑब्जेक्टिव है या उद्देश्य है, गुणवत्ता या क्वालिटी। उसके बाद चौथे उद्देश्य की हम लोग बात करते हैं, ताप व सूखा रोधिता है ना, या इसको बोल देते हैं हीट एंड ड्रॉट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि तापमान जो है उसका परागकणों की जीवन क्षमता के ऊपर या पोलेंस की वायबिलिटी के ऊपर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। 38 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से अगर तापमान ऊपर चला जाए तो परागकणों की जो जीवन क्षमता है, पोलेंस की जो वायबिलिटी है, उसमें कमी आ जाती है, ठीक है। मतलब 24 घंटे के लिए पहले तो क्या था, परागकण की जो वायबिलिटी है या जीवन क्षमता क्या है, 24 घंटे है, लेकिन अगर तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो गया तो उसकी जो वायबिलिटी है या जीवन क्षमता है वो कितनी रह जाएगी, 20 घंटे रह जाएगी या 18 घंटे रह जाएगी, ठीक है। तो ये इफेक्ट पड़ता है तापमान का। दूसरा, ड्रॉट का क्या प्रभाव पड़ता है या सूखे का क्या प्रभाव पड़ता है, तो सूखे की स्थिति में क्या होता है, अभी जो भुट्टे की लंबाई है उसमें उसकी जो वृद्धि दर है उसमें कमी आ जाती है ना। हमें पता है कि जो भुट्टा है या जो कॉब है उसकी लेंथ या लंबाई जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा उत्पादकता या उपज आएगी, ठीक है। लेकिन अगर ड्रॉट कंडीशन आ जाती है, सूखे की स्थिति आ जाती है, तो जो कॉब है या भुट्टा है वो कैसा रह जाएगा, बौना रह जाएगा, छोटा रह जाएगा, उसकी लंबाई कम रह जाएगी, ठीक है। तो ये ड्रॉट का इफेक्ट होता है। तो भुट्टा जो है वो देरी से निकलेगा है ना, कॉब जो है वो डिले करेगा निकलने में, और जब तक भुट्टा निकलेगा, जब तक कॉब जो है वो बाहर आता है ना, तब तक जो परागकण है यानी कि पॉलन ग्रेन्स हैं वो नष्ट हो चुके होते हैं या ख़त्म हो चुके होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अगर सूखे की कंडीशन आती है या ड्रॉट की कंडीशन आती है तो पौधे पर बहुत सारे भुट्टे या कॉब्स ऐसे रह जाते हैं जिनमें परागण या पॉलिनेशन नहीं होता है। तो उससे होगा क्या, अभी हमारी जो उपज है या जो यील्ड है वो इफेक्ट होगी या प्रभावित होगी। इसलिए हमें मक्के के अंदर तापरोधी यानी टेम्परेचर रेजिस्टेंस एंड सूखारोधी यानी कि ड्रॉट रेजिस्टेंट वेराइटीज़ या किस्मों का निर्माण करने की आवश्यकता है। तो ये भी एक उद्देश्य है या ऑब्जेक्टिव है।
उसके बाद नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य आता है रोग रोधिता, या इसको बोल देते हैं डिजीज रेजिस्टेंस। ठीक है, तो मक्के की फसल में कई तरह के रोग जो हैं वो उत्पन्न हो सकते हैं, और इन रोगों की वजह से या डिजीज़ की वजह से जो यील्ड है या उपज है और जो गुणवत्ता है यानी कि क्वालिटी है वो प्रभावित होती है, उसका हमें आर्थिक नुकसान होता है या इकोनॉमिक लॉस होता है। ठीक है, तो इन रोगों के प्रति जो प्रतिरोधक क्षमता है या रेजिस्टेंट कैपेसिटी है वो डेवलप करनी होगी हमें मक्का की वैरायटीज़ के अंदर या किस्मों के अंदर। तो कई तरह के डिजीज़ या रोग जो हैं वो मक्के की फसल में हमें देखने को मिलते हैं, तो उनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे सबसे पहला आपको दिख रहा होगा लीफ स्पॉट, है ना, इसी तरह से है लीफ ब्लाइट, डाउनी मिल्ड्यू, रस्ट, शीत ब्लाइट, है ना। तो ये पांच रोग हैं जिनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। तो इन रोगों के प्रति हमें क्या करना है, प्रतिरोधक किस्मों का निर्माण करना है या रेजिस्टेंट वैराइटीज़ जो हैं वो हमें डेवलप करनी है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कीट रोधिता या इंसेक्ट रेजिस्टेंस की, जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है। तो हमें पता है कि जो मेज़ की क्रॉप है या मक्के की जो फसल है उसको कई तरह के जो कीट हैं या इंसेक्ट्स हैं वो डैमेज कर सकते हैं, उसको क्षति पहुंचा सकते हैं, जिसकी वजह से यील्ड और क्वालिटी यानी उपज और गुणवत्ता जो है वो प्रभावित होती है, जिससे हमें आर्थिक नुकसान होता है या इकोनॉमिक लॉस होता है। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना है, अभी कीटों के प्रति या इंसेक्ट्स के अगेंस्ट हमें क्या करना है, रेजिस्टेंट या प्रतिरोधी किस्मों का निर्माण करना है। तो ये भी एक उद्देश्य हो सकता है। तो कौन कौन से ऐसे कीट हैं या इंसेक्ट्स हैं जो प्रभावित करते हैं या डैमेज करते हैं या क्षति पहुंचाते हैं मक्का की क्रॉप को, तो इसके नाम आपको ध्यान में रखने हैं, स्टेम बोरर, है ना, कटवर्म, शूट फ्लाई, इसके अलावा लीफ रोलर है, इसके अलावा एफिड्स हैं और ग्रास हॉपर है। तो ये छह टाइप के इंसेक्ट्स हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं मेज़ की फसल को या मक्के की क्रॉप को। तो इन कीटों के प्रति हमें रेजिस्टेंट वेराइटीज़ या प्रतिरोधी किस्मों का निर्माण जो है वो करना होगा, तो ये भी एक उद्देश्य रहता है। तो ये थे भी ऑब्जेक्टिव्स या उद्देश्य। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रजनन विधियाँ या ब्रीडिंग मैथड्स। तो मक्के के अंदर कई तरह की प्रजनन विधियों का उपयोग किया जाता है, जैसे सबसे पहले आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा पुरस्थापन या इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो मक्के के अंदर एक किस्म जो है उसका इंट्रोडक्शन किया गया था, तो वो काफ़ी फेमस या प्रसिद्ध किस्म है या वैरायटी है। तो इस किस्म का जो इंट्रोडक्शन है या पुरस्थापन है वो कहाँ से किया गया था, मैक्सिको से भारत में इसका इंट्रोडक्शन किया गया था, और इस किस्म का नाम आपको ध्यान में रखना है, क्या बोलते हैं इसको, इटो एमारेलो। ठीक है, इस किस्म का नाम क्या है भाई, इटो एमारेलो। तो इटो एमारेलो किस्म को मैक्सिको से भारत में लाया गया था। तो इसमें सिर्फ एक ही किस्म का नाम आपको ध्यान में रखना है इंट्रोडक्शन या पुरस्थापन के अंदर। उसके बाद दूसरा हम लोग बात करते हैं किस्म संकरण, या इसको बोल देते हैं वेराइटी हाइब्रिडाइजेशन। तो किस्म संकरण या वेराइटी हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसमें एक देसी किस्म है ना, एक देसी वैरायटी है, लोकल वैरायटी है, जिसका नाम है बासी। ठीक है, बासी का क्रॉस करवाया गया पुरस्थापित किस्म के साथ या इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी के साथ, और वो कौन सी है, अभी मैंने नाम बताया आपको, इटो एमारेलो। तो इन दोनों के बीच में संकरण करवा के एक उन्नत किस्म विकसित की गई मक्के की, और उस किस्म का नाम क्या रखा गया, विक्रम। ठीक है, तो बासी का इटो एमारेलो से क्रॉस करवाया गया और विक्रम नाम की मक्के की उन्नत किस्म जो है वो विकसित की गई। ठीक है, तो इसके अंदर आपको यही ध्यान में रखना है किस्म संकरण या वैरायटी हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट आता है द्विसंकर संकरण, या इसको डबल क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन भी बोल देते हैं। तो डबल क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन से मक्के के अंदर कई सारी किस्मों को विकसित किया गया, तो इन किस्मों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं अभी। जैसे सबसे पहला दिख रहा होगा आपको पंजाब संकर वन, या इसको बोल देते हैं पंजाब हाइब्रिड वन इंग्लिश के अंदर, है ना। पंजाब संकर थ्री, या इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पंजाब हाइब्रिड थ्री। उसके बाद थर्ड कौन सी है अभी, गंगा वन, इसके अलावा गंगा 101, इसके अलावा है दक्कन, या इसको डेक्कन बोल देते हैं इंग्लिश के अंदर, और इसके अलावा कौन सी है, रंजीत, इंग्लिश में भी इसको रंजीत ही बोलते हैं। तो ये कुछ किस्में हैं जो डबल क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा या द्विसंकर संकरण के द्वारा विकसित की गई हैं मक्का की फसल के अंदर। ठीक है, तो इन किस्मों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद लास्ट जो
प्रजनन विधि है या ब्रीडिंग मेथड है वो कौन सी है अभी? कंपोजिट वैरायटीज या सम्मिश्र किस्में। तो कंपोजिट वैरायटी या सम्मिश्र किस्में जो हैं किस प्रकार से बनाई जाती हैं ये अपने सेकंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था प्लांट ब्रीडिंग के अंदर, है ना। तो इससे कई तरह की मक्का की या मेज़ की कई तरह की कंपोजिट वैरायटीज या सम्मिश्र किस्में बनाई गई हैं। तो इन किस्मों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं अभी, जैसे किसान है सबसे पहली, इसके अलावा अंबर है, जवाहर, सोना, विजय, प्रोटीना, ठीक है। तो छह वैरायटीज़ तो ये हैं, छह किस्में तो ये हैं जिनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। और कुछ और वैरायटीज़ हैं जैसे रतन, शक्ति, विकास, नवजोत, धवल, रेणुका और एनएलडी, ठीक है। तो इन किस्मों के डायरेक्ट नाम पूछे जाते हैं कि ये जो किस्म है वो कौन सी फसल की किस्म है। तो आपको चार ऑप्शन दे देंगे और उसमें से आपको बताना होगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है अभी, इंपॉर्टेंट किस्में हैं तो इनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये था अभी अपना आज का लेक्चर।